कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अवैध शराब के कारोबारियों पर लगाम लगाया जा सके। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जनता की सूचना के आधार पर कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चला रही है। महानगर के अलग अलग थानों में कच्ची शराब नौशादर की बरामदगी की गई है। एसपी सिटी ने बताया कि शनिवार को शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 11 कच्ची शराब के कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उन्होंने कच्ची शराब बनाने वाले कारोबारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शराब के धंधे में लिप्त कारोबारियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम 272 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा गुंडा गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये देखिए कच्ची शराब का अभियान चल रहा है और जगह जगह जाके कार्रवाई की जा रही है। जनता की सूचना के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल इसमें 11 मुकदमे पंजीकृत किए गए नगर क्षेत्र में और 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। देखिए अलग अलग बरामदगी है, जैसे चौकी रेलवे में 18 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी की गई। इसी तरह से आजाद नगर रामगढ़ताल में 20 लीटर अवैध कच्ची का बरामदगी की गई है। तो अलग अलग जगह अलग अलग बरामदगी की जा रही है। कच्ची शराब है, यूरिया, नौसादर, इन सब की बरामदगी की गई है। देखिए उन सबको यही निर्देश दिया जा रहा है कि बिल्कुल भी मिलावटी और कच्ची शराब जो है उसको ना बनाएं और उसके खिलाफ पुलिस जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। 60 आबकारी अधिनियम 272 IPC के अंदर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और बाद में गुंडा गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाती है।